हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एब्डोमेन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थोरेसिक केज। तो जो हमारे पास एब्डोमेन का स्केलेटन होता है उसमें हमारे पास थोरेसिक केज भी प्रेजेंट होता है। तो थोरेसिक केज को डिस्कस करते हैं। द एनाटॉमी ऑफ द थोरेसिक केज इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन चैप्टर 4। तो जो हमारे पास थोरेसिक केज की एनाटॉमी है वो ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 4 में डिस्क्राइब की गई है। तो जब मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें आपको ज़्यादा बताऊंगी। इसमें भी जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देती हूँ। द कॉम्पोनेंट्स मोस्ट पर्टिनेंट टू द एब्डोमिनल वॉल इंक्लूड द ज़िफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, कोस्टल मार्जिन, कोस्टल कार्टिलेजेस 7-10 एंड द लोअर रिब्स, सी फिगर 6.1। तो जो कॉम्पोनेंट्स हमारे पास थोरेसिक केज के एब्डोमिनल वॉल में आते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या है। ज़िफॉइड प्रोसेस होती है स्टर्नम की, कोस्टल मार्जिन होती है जिसमें हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस आ जाते हैं 7-10 और लोअर रिब्स आ जाती हैं हमारे पास। तो मैं आपको फिगर 6.1 पहले भी दिखा चुकी हूँ, फिर से दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास फिगर 6.1 है। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास ज़िफॉइड प्रोसेस है स्टर्नम की और ये हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस हैं और ये हमारे पास लोअर रिब्स हैं। तो ये हमारे पास 7-10 कोस्टल कार्टिलेजेस हैं। द हेड ऑफ द 12th रिब इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर्स इन दैट इट हैज अ सिंगल फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द बॉडी ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। तो जो हमारे पास हेड होता है 12th रिब का, वो हमारे पास डिफरेंट होता है दूसरी रिब से, क्योंकि इसके पास हमारे पास एक सिंगल फेसेट होता है। तो वो सिंगल फेसेट हमारे पास 12th थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी से आर्टिकुलेट करने के लिए होता है। द एंटीरियर एंड इज पॉइंटेड एंड हैज अ स्मॉल कोस्टल कार्टिलेज विच इज एम्बेडेड इन द मस्कुलेचर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो जो हमारे पास 12th रिब का एंटीरियर एंड होता है वो पॉइंटेड होता है और 12th रिब पे हमारे पास एक स्मॉल कोस्टल कार्टिलेज लगा हुआ होता है जो कि हमारे पास एम्बेडेड होता है इन द मस्कुलेचर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। इन मैनी पीपल इट इज सो शॉर्ट दैट इट फेल्स टू प्रोट्रूड बियॉन्ड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी मसल ऑन द बैक। बहुत सारे लोगों में हमारे पास 12th रिब बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, इसलिए हमारे पास जो बैक पे एक मसल होता है इरेक्टर स्पाइनी मसल, उसके लेटरल बॉर्डर को प्रोट्रूड नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास थोरेसिक केज के बारे में लिखा हुआ था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।